उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र स्थित रानी मजरा ग्राम पंचायत में बीते कुछ महीनों पहले जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत टंकी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है, जिसमें ठेकेदारों द्वारा मानकों के विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है और इनका खामियाजा भोले भाले ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं रानी मजरा ग्राम प्रधान विजेता व प्रधान प्रतिनिधि चरण सिंह चौहान ने बताया कि कुछ महीने पहले गाँव में पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से मानकों के विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन को 1 मीटर गहराई में बिछाया जाना था, मगर ठेकेदार द्वारा जबरन उसे आधा मीटर से भी कम में बिछाया गया। जहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड व सड़कों को खोदा गया है, उसके पुनर्निर्माण में घटिया व मानकों से कम सामग्री मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। पूरा मामला ऐसा है, ये लगभग 1 साल से हमारे गांव में ये योजना चल रही है। इसके द्वारा जो भी कार्य हुए हैं वो अनियमितता है, इनमें घटिया सामग्री लगाई गई है। इनकी शिकायत एक्शन जे को भी की गई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करी गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है ऊपर से लेके नीचे तक सब लिप्त है इस काम में। सब क्या कहेंगे? पिछले 1 साल से जो पाइपलाइनें डली गई थी, जो मशीनों द्वारा खुदाई की गई थी पाइपलाइन डालने के लिए, वह अब तक मरम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो भी कनेक्शन हुए हैं वे ऊपर ही हैं, जो आए दिन टूट रहे हैं, और कोई भी कार्य सही नहीं है। एक्शन जे को जब भी फोन करते हैं आएंगे देखेंगे, और ठेकेदार भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी इनके जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन करके देखे तो उस पर टंकी चालू दिखा रखी है इन्होंने, और धरातल पे कोई चालू नहीं है, पूरे कनेक्शन नहीं हुए, सभी काम अधूरे हैं, सिर्फ कागजों में चालू दिखा रखी है और पैसों की बंदरमांट की जा रही है। अच्छा, उठाया जाएगा, अगला कदम यही उठाया जाएगा, गांव की जनता जिला मुख्यालय जाएंगी, डीएम के पास जाएंगे, क्योंकि पूरा गांव सड़क टूटी हुई है, सब परेशान है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।